हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो है टू टच मारने का सही तरीका, कैसे आप अपने टू टच को बढ़ा सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको बताऊंगा टू टच मारने का तरीका, एक्सरसाइज और हेल्पर के साथ कैसे मारना है। गाइस, आपको हेल्प देने का तरीका आना चाहिए। बताऊंगा आपको कुछ एक्सरसाइज जिसको आपने फॉलो करना है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उन एक्सरसाइज की जिससे आपको टू टच करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 1, फ्रंट अब्डोमिनल। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपने भारी वेट के साथ ही करनी है। आपने अपने पैरों पे एंकल वेट को बांध लेना है और आपने घुटनों को छाती पे क्लोज करना है। आपको जरूरी होता है कि अपने पेट की मसल्स को इम्प्रूव करना है। जब तक आपका पेट मजबूत नहीं है तब तक आपसे टू टच नहीं होंगे। इसके 3 सेट लगाएं, हर सेट पे जितने रेप निकाल सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, लोअर अब्डोमिनल। इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर अब्डोमिनल की मसल्स इम्प्रूव होती है। ध्यान रहे कि जो आपका पंजा है आगे की तरफ खींचा हुआ हो और घुटने बैंड नहीं होने चाहिए और आपका जो पैर है वो जमीन पर नहीं लगने चाहिए। आप अपने लोअर अब्डोमिनल को फील करें। इसके 3 सेट लगाएं, हर सेट पे जितने रेप निकाल सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, अब्डोमिनल क्रंचेस। इस एक्सरसाइज से आपके पेट की मसल्स का ग्रोथ तेजी से होता है। इस एक्सरसाइज में आपने अपने अपर बॉडी को ही उठाना है। आपने अपने हाथों को अपनी थाई के ऊपर सीधा रखना है। जब आप अपने अपर बॉडी को उठाते हो तब आपकी कलाई है आपके घुटने से आगे जानी चाहिए। ध्यान रहे कि आपने आधा ही ऊपर आना है और पूरा नीचे जाना है और अपने अब्डोमिनल मसल्स को फील करना है। के भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में जितने रेप हो सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, होल्ड अब्डोमिनल। इस एक्सरसाइज में आपके पैरों की पोजीशन 45 डिग्री में हो और आपके पंजे आगे की तरफ खींचे हुए हो, अपर बॉडी भी आपकी हाफ ही उठी हो और अपने अब्डोमिनल को फील करें। एक्सरसाइज नंबर 5, अपर अब्डोमिनल। एक्सरसाइज में आपकी अपर बॉडी ऊपर हो और आपके पैर सीधे होने चाहिए और आपने पीछे की तरफ अपने घुटनों को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करनी है। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में जितने रेप निकाल सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 6, लेग रेजिंग। इस एक्सरसाइज में आपने अपने पाओ को आगे पीछे की तरफ रोटेट करना है। के भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में जितने रेप हो सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 7, हैंगिंग पोजीशन। इस पोजीशन में आपने अपने घुटने से चेस्ट को टच करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी पेट की मसल्स के साथ आपकी कोर की मसल्स भी इम्प्रूव होती है। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में जितने रेप निकाल सकते हैं निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 8, बी पोजीशन। इस एक्सरसाइज में आपके पैरों की पोजीशन 45 डिग्री के एंगल में हो, आपका अपर भाग उठा हुआ हो और आपके हाथ सीधे होने चाहिए। आपने अपनी बॉडी को कुछ मिनट तक ऐसे ही होल्ड रखना है। इस एक्सरसाइज से आपकी कोर की मसल्स का इम्प्रूव तेजी से होता है। फ्रेंड्स, आप इन एक्सरसाइज से अपने 6 पैक भी बना सकते हो। अगर आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो कर दिया तो आपके 6 पैक तेजी से ग्रोथ होंगे और आप भी अपने 6 पैक बना सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 9, बैक किक। इस एक्सरसाइज से आपकी कोर मसल्स का ग्रोथ तेजी से होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जितना आप अपने अब्डोमिनल को इम्प्रूव करते हो उतना ही आपको अपनी कोर मसल्स को भी इम्प्रूव करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो एक्सरसाइज जिससे आप अपनी पेट की मसल्स और कोर की मसल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा आपको टू टच मारने का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, आपने बार के नीचे आना है, जो आपका सर है
वो एटलीस्ट बार के नीचे होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी झूले ना और आपने ओवर ग्रिप से अप करना है। आपको इसकी प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, आपको इसको अपने रूटीन में शामिल करना है। अगर आपने बताई गई एक्सरसाइज को सही तरीके से फॉलो किया होगा तो आप अपने टू टच को सही तरीके से मार सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो तो और आपको टू टच मारने का तरीका पता नहीं है तो आप हेल्पर की मदद से टू टच मार सकते हो, बशर्ते आपने बताई गई एक्सरसाइज को फॉलो करना है ताकि आपको टू टच करने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा आपको हेल्प देने का तरीका, आपने हेल्पर की मदद से कैसे टू टच मारने हैं, बशर्ते आपको हेल्प देने का तरीका पता होना चाहिए। एक हाथ आपने हिप्स पे लगाना है और दूसरा हाथ आपने गर्दन के पीछे लगाना है ताकि आपके बड्डी को पूरा सपोर्ट मिले और उसको टू टच करने में मदद मिले। ध्यान रहे कि आपने उसको पूरी हेल्प देनी है और आपकी जो एड़ी है आपकी सीट के साथ टच होनी चाहिए। आपने बार को ओवर ग्रिप से पकड़ना है, आपके शोल्डर के मुताबिक ही आपने बार को पकड़ना है। ध्यान रहे कि टू टच मारने से पहले आपने अपने शोल्डर्स को लॉक कर देना है, तभी आप अपने टू टच को सही तरीके से मार सकते हो। टू टच मारने का सही तरीका, आपने बार को ओवर ग्रिप से पकड़ना है, आपने अपने शोल्डर्स के मुताबिक ही अपने हाथों को खोलना है। ध्यान रहे कि आपकी बॉडी स्विंग ना ले, के घुटने और आपके पंजे आपस में मिले हुए होने चाहिए। आपने अपने घुटनों को चेस्ट को टच करते हुए टू टच मारने की कोशिश करनी है। तो गाइस, ये है टू टच मारने का सही तरीका। गाइस, आप भी अपने टू टच को सही तरीके से मार सकते हो अगर आपने हर एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो आप अपने टू टच को सही तरीके से मार सकते हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय। Oh, 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 oh